हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी। मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों ये है हमारे पास बजाज प्लटिना जो कि 100cc में आती है। इसमें दो वेरिएंट आता है, 110cc और 100cc। ये वेरिएंट है 100cc। इसमें आपको काफ़ी यूनिक कलर दिया हुआ है, कलर ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरे भारत के अंदर बिकने वाली सबसे मोस्ट फ्यूल इफ़िशियंट गाड़ी है। आज के डेट में आपको पता ही है कि पेट्रोल की प्राइसेस कितना ज़्यादा भाई बढ़ गई है, तो ऐसे में अगर ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई लेनी चाहिए। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है, आई थिंक ये गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 18 से 20 साल हो गया, और जब से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से इसको माइलेज के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई भी पूछता है कि भाई माइलेज वाली बाइक चाहिए तो हाँ प्लटिना ले लो, ये कोई भी बोल देता है कि प्लटिना, क्योंकि प्लटिना में आपको काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। माइलेज के साथ साथ इसमें लुक, कंफर्ट और जो इंजन स्पेसिफिकेशन है, जो इंजन का पावर एंड टॉर्क है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे मिल जाता है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस प्लटिना ऑल न्यू में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या क्या कंपनी की तरफ से इसमें ऑफर किया जाता है, इसकी माइलेज क्या है, इसका प्राइस क्या है ऑन रोड एक्स शोरूम। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस गाड़ी में आपको प्रैक्टिकली क्या क्या देखने को मिलता है, तो फ्रंट से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा यूनिक लुक बनाया है। ये आपको अभी न्यू वेरिएंट में ये LED DRL मिल जाएगा, पहले ये नहीं आता था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंडशील मिल जाता है। साइड में आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है रेड और वाइट में। ये बाइक टोटल 4 कलर में मिलती है। ये जो हमारे पास कलर है ये रेड है। यहाँ भी आपको साइड में भी आपको रेड और वाइट का ग्राफिक्स दिया हुआ है। फ्रंट में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है और साइड में बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है। आज के डेट में आज ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्यूल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। देन हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट पोर्शन के बारे में। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट में इस गाड़ी में 17 इंच का ट्यूब टायर मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक फ्रंट में मिल जाता है, जो ASB के साथ आता है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, जो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को प्रेस करते हैं तो 60:40 का रेशियो होता है। आपको 60% जो प्रेशर है वो रियर में अप्लाई होता है, रियर टायर में अप्लाई होता है, और 40% ब्रेक जो प्रेशर होता है वो फ्रंट टायर में अप्लाई होता है, जिसके वजह से आपका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। देन अगर बात करते हैं इसके साइड से, तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो इसका जो लुक है वो कुछ ऐसे देखने में लग रहा है। यहाँ पर आपको प्लटिना का 2D लोगो दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपको वाइट एंड रेड का ग्राफिक्स है। ये 100 कम्फोटेक का यहाँ पे स्टिकरिंग दिया हुआ है। अगर पावर एंड टॉर्क के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 102 cc का एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कार्बोरेटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इस गाड़ी में दिया हुआ है, जो 7.9 PS का पावर जनरेट करता है 7500 RPM पे, और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 गियर के साथ आता है, 4 गियर डाउन में लगता है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाता है। देन अगर हम बात करते हैं इसके और कुछ प्रोफाइल के बारे में, साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक लंबा सा चौड़ा सा फुटरेस्ट दिया हुआ है, जो कि इसको ये अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको चैन स्प्रोकेट मिल जाता है, और ये सस्पेंशन को 20% इंक्रीज़ किया हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ये कम्फर्ट देने वाला है। देन अगर हम बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर में आपको यहाँ पे हैलोजन टेल लाइट देखने को मिल जाता है। ये आपको बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर प्लेट आएगा, और ये साइड रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं इसके राइट प्रोफाइल के बारे में, तो राइट में आप देखेंगे तो सेम वही स्टिकरिंग यहाँ पे दिया हुआ है, 100 कम्फोटेक का स्टिकरिंग दिया है, रेड वाइट का ग्राफिक्स दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपको वही सस्पेंशन मिल जाता है, चौड़ा वाला फुटरेस्ट मिल जाता है। अगर रियर टायर साइज के बारे में बात करें तो रियर में 17 इंच का ट्यूब टायर दिया हुआ है, और यहाँ पे रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। देन अगर हम बात करते हैं इसके और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है। आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे सीट दिया हुआ है, जो कि आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि 3 लोग बैठना नहीं चाहिए, जब भी आप बाइक पे राइड करें, ड्राइव करें, तो आप 2 लोगों के साथ ही करें, लेकिन यहाँ पे 2 लोग बैठ करके बीच में आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैट शेप में आपको एक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो 11 लीटर में आता है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैट ब्लैक में गैबरिल दिया हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्विच
लो बीम हाई बीम का स्विच दिया हुआ है, ये टर्न इंडिकेटर का स्विच है, ये हॉर्न का स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलाइट का स्विच दिया हुआ है और ये सेल्फ का स्विच दिया हुआ है। देन यहाँ मीटर कंसोल में आप देखेंगे तो ये है आपका स्पीडोमीटर, ये है ऑडोमीटर, ये फ्यूल गेज इंडिकेटर, ये आपका इंजन चेक लाइट है, और यहाँ पे ये इसका टर्न इंडिकेटर का इंडिकेटर है, और ये आपका आपको यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेटर है। तो ये रहा एक कंप्लीट वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में आपको माइलेज कितना मिल जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी कही जाती है अपनी सेगमेंट में, 75 to 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप अच्छे से कॉन्स्टेंट स्पीड में अपनी बाइक को चलाते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं इस गाड़ी से, क्योंकि ये गाड़ी माइलेज के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको येलो कलर की लाइनिंग मिल जाती है सीट अक्रॉस द सीट जो कि जाती है। सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है। अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 49,000 रुपीज़, और इसका ऑन रोड प्राइस है 75,000 रुपीज़ ऑन रोड गोपालगंज बिहार के अकॉर्डिंग। ये रहा है कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।